यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है। विपक्ष पर उन्होंने लोगों को जात में बांटने का आरोप लगाया। मौजूद हैं अलग अलग लोकसभा सीटों पर, आप जा रहे हैं, कैसा सियासी तापमान आप देख रहे हैं, कैसा माहौल आपको लग रहा है? चुनावी तापमान माहौल तो आपने सही कहा, चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय मोदी जी के प्रति जबरदस्त सकारात्मक माहौल है। क्या जाति, क्या धर्म, क्या संप्रदाय, सब लोग मिलकर के मोदी जी के परिवार में शामिल हैं। और सहारनपुर में कल मैंने 8 स्थानों पे छोटी बड़ी सभाएं की और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऊपर से देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे कि जो उन्होंने सबको साथ जोड़ने की जो पहल की थी, सबकी बराबरी की पहल की थी, वो आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में, भारत में होता हुआ दिख रहा है और बहुत अच्छा माहौल है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत की ओर हम लोग पश्चिम में बढ़ रहे हैं। परसों जो संकल्प पत्र आदरणीय मोदी जी ने जारी किया, जिसका बहुत अच्छा नाम भी दिया उन्होंने, मोदी की गारंटी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ ये नाम दिया, वो केवल 5 साल का संकल्प पत्र नहीं है, वो किस प्रकार 2047 तक देश को हम विकसित भारत की बनाएंगे, उस श्रेणी में खड़ा करेंगे, उसका पहला कदम क्या होगा वो है। और इसमें केवल आर्थिक विकास ही नहीं है, इसमें समावेशी आर्थिक विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई परिवार, कोई व्यक्ति, किसी बच्चे की आकांक्षाएं अधूरी नहीं छूटनी चाहिए, इस हिसाब से काम होना है। मोदी जी ने इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया। और एक सबसे बड़ा उदाहरण होगा, मैं बताना चाहूँगा, जहाँ हम लोग हाईवे बना रहे हैं, आगे और बनाएंगे, ट्रकों की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, मोदी जी ने चिंता की हमारे ड्राइवर्स की कि जब वो सड़क पे चलते हैं वो कहाँ पे सोते हैं, कहाँ नहाते हैं, कहाँ पे खाते हैं, और उसके लिए वो योजना लेकर के आ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड लाना एक प्रयास था कि जो ब्लैक मनी के आधार पे पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसको दूर किया जाए और लोग स्वेच्छा से वाइट मनी के जरिए अपनी फंडिंग कर पाए, और यही पूरे इसमें किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं हाल के, वो भी स्वागत योग्य हैं। एक कदम हुआ, हम ब्लैक से वाइट में आए, अब दूसरा कदम वाइट को और परिष्कृत करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, आदरणीय मोदी जी ने उसका भी स्वागत किया। ये विपक्षी पार्टियां तो कभी भगवान श्री राम के मंदिर को बनता हुआ देखना ही नहीं चाहती थी, ये केवल उसको राजनीतिक लाभ का मुद्दा देखती थी। मोदी जी ने उस चीज़ को बहुत वृहद रूप में लिया और हम देख रहे हैं जो भी हुआ वो पूरी तरीके से न्यायालय के आदेश पे व्यवस्थित तरीके से हुआ। कहीं पे एक मिनट के लिए भी कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा, कहीं पे गोली तो छोड़िए डंडा नहीं चला, और सबको स्वीकार है। क्यों? क्योंकि भारत के नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के हो, वो न्याय में आस्था रखते हैं और इस व्यवस्था में, इस आदेश में सबको न्याय मिला। और 550 साल के लंबे इंतजार के बाद में हिंदू बहनों भाइयों को, सनातनियों को, एक जो हमारी आकांक्षा थी, जो हमारी आशाएं थी, वो पूरी हुई, न्याय मिला। लेकिन ये कोई जय पराजय का विषय नहीं है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, ये आगे बढ़ने का विषय है और उस पर हम लोग आगे बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से बातचीत की और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। मौका था डिंपल यादव के नॉमिनेशन का। नामांकन आज हो रहा है, आप किस तरह का मैसेज देने की कोशिश करेंगे? इस क्षेत्र ने 3 लाख के लगभग वोटों से और ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में जिताया था। ये चुनाव ऐतिहासिक वोटों से फिर जीतने जा रहे हैं, इसी में मैनपुरी का मान सम्मान बढ़ेगा। नेताजी का क्षेत्र रहा और यहाँ की जनता हमेशा समाजवादियों के प्रति लगाव रखती है। जो कुछ विकास आज भी दिखाई दे रहा है वो सब समाजवादियों का है। बीजेपी के पास अपने बताने को कुछ नहीं है, और अगर बताने को होता तो होर्डिंग लग गए होते, उनके विकास के होर्डिंग कहाँ हैं? और अब तो सुनने में आ रहा है जो सांसद प्रत्याशी हैं उनके होर्डिंग से चेहरे गायब हैं।
और अगर अभी से सांसद प्रत्याशियों के चेहरे गायब हैं तो आने वाले समय में और चेहरा जो दिखाई दे रहा है वो भी गायब होगा। सर मोहन यादव को उतारा गया, उसको कैसे देखते हैं आप? वो मोहन यादव जी यहाँ का विकास देखने आए थे और यहाँ के विकास से प्रेरणा लेकर के वो अपने मध्य प्रदेश में काम करेंगे और समय समय पर हमसे राय लेंगे विकास के लिए, तो जरूर उनको राय देंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी को कैसे देखते हैं सर? वो आए थे कल खाली जी सीट। देखिए बहुजन समाज पार्टी ने अचानक से अपना प्रत्याशी बदल दिया। देखिए प्रत्याशी बदल दिया है तो अच्छी बात है, उन्हें लगता होगा कि पहला प्रत्याशी अच्छा नहीं था, नया प्रत्याशी अच्छा है, कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादियों ने एडजस्ट कर दिया हो अपना प्रत्याशी। शुक्रिया। रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे अयोध्या बुलाया जाएगा तो मैं जरूर पहुंचूंगा। अमेठी से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि अमेठी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और जहां भी लोगों से मिलने जाता हूं तो वहां से लोग चुनाव लड़ने की अपील करते हैं। उन्होंने अमेठी के मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा। मेरा सवाल यही होगा कि कल जैसे मैंने कहा आप दर्शन के लिए गए थे, आज भंडारा है, लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस जो है वो सनातन धर्म को नहीं मानती, वो लोगों के साथ उठती बैठती है, जो गालियां देते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि हमें धर्म की राजनीति से दूर रहना चाहिए। मैं जानता हूं अपने परिवार को, वो एक सेक्युलर उनकी सोच है और हमेशा चाहेंगे कि हमारा देश सेक्युलर रहे, और जैसे अगर ठीक तरीके से जिसमें जैसे खरगे जी ने भी बोला और कि अगर आप हर व्यक्ति को बुलाएंगे बिल्कुल उसी तरह इक्वल तरह से अयोध्या में, तो फिर सब लोग पूरा परिवार भी उसमें शामिल होगा। और ज़रूर मैं वृंदावन गया हूँ और हर जगह जाता हूँ, मेरा धार्मिक दौरा पूरे देश में होता है और मैं मुझे उससे वहाँ जब मैं प्रार्थना करता हूँ और लोगों से मिलता हूँ उससे मेरे को सीखने को बहुत मिलता है कि कितना हमारा जो हेरिटेज कल्चर है अभी भी लोग अपने अपने भगवान को याद करते हैं। जब भी उनकी कोई परेशानी होती है वो अपने मंत्री को या अपने अपने सांसद को याद नहीं करते, वो अपने भगवान को याद करते हैं, वहाँ अपनी जो परेशानी है उसके बारे में प्रार्थना में डालते हैं और उनका हौसला और भरोसा और बढ़ता है वहाँ अपने मंदिर जाने से। तो अगर आप कहेंगे कि आप मंदिर ही जाइए वो गलत है, सब अलग अलग फेथ है, कोई मस्जिद जा सकता है, कोई गुरुद्वारे जा सकता है, जिसकी भी सोच है वो वहां जा सकता है। तो मैं अगर मुझे बुलाया जाएगा अयोध्या जरूर मैं वहां पहुंचूंगा और वहां भी प्रार्थना करूंगा कि देश भर में सुख शांति का माहौल रहे और सेक्युलर देश रहना चाहिए। रॉबर्ट जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की सीट अमेठी की बात करें तो जब से आपने अपनी इच्छा जाहिर करी है तब से बहुत ज्यादा सुर्खियों में है ये सीट, तो इस पर सस्पेंस जो है वो लगातार बना हुआ है, तो कैसे कह सकते हैं कि जो मिस्ट्री है ये कब जाकर सामने आएगी कि कब ये ठीक होगी, क्योंकि लोग चाहते हैं जानना। देखिए मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अमेठी से लड़ रहा हूँ या मैं किसी एक क्षेत्र से लड़ रहा हूँ, ये पुकार पूरे देश भर में है कि जैसे वो देखते हैं कि मैं मेहनत करता हूं लोगों के बीच में, एक तो अपने चैरिटी के द्वारा या मतलब भंडारा जैसे आज लगा है और हमारे यहाँ हमेशा हर हफ्ते लगता है, पूरे देश में अपना धार्मिक दौरा करता हूं, लोगों से जो भी उनकी समस्या है मैं उसमें शामिल होता हूं, जो भी समाधान ढूंढ सकता हूं करने की कोशिश करता हूं। देश में लोगों को लगा कि जैसे जितनी भी मंत्री हैं या पार्टियां होती हैं जो मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं, जब भी उनकी कोई नाकामियां हैं या कभी कोई भी परेशानी होती है उनकी, वो रॉबर्ट वाड्रा को याद रखते हैं, तो बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे जो भी कहेंगे। जैसे स्मृति ईरानी जी ने अपना एक पर्चा उठाया और कहा कि मैं अडानी के साथ मेरे रिश्ते हैं और ये, और मैंने उनको चैलेंज किया अपने कि अगर आप कुछ भी जो आरोप लगा रहे हैं उसको आप प्रूव कर पाएंगे तो मैं जरूर उसके मैं जो भी उसके साथ होगा मेरी मुश्किलें होंगी मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूं। पर कभी भी वो बिल्कुल बात टल गई थी, तो और अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, मेनली बीजेपी, तो लोगों को लगा कि अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं
तो आप अपनी बात बड़े पैमाने पर और पॉलिटिकल जो राजनीतिक आरोप हैं उसी तरीके से आप संसद में अपना नाम क्लियर कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे और जो भी आप चैरिटी कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, आप बड़े पैमाने पे कर पाओगे अगर आप राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आते हैं तो। पर ये पुकार सब जगह से है। अगर मैं किसी दंगल में जाता हूँ हरियाणा में तो वहां से पुकार आती है, अगर मैं तेलंगाना में जाऊंगा लोगों से मिलने तो वहां से पुकार आती है, अगर मैं अमेठी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है क्योंकि जैसे स्मृति ईरानी ने गलत इस्तेमाल किया तो उनको लगा, अमेठी के लोगों को लगा कि हमसे गलती हुई है कि हमने स्मृति ईरानी को जिताया क्योंकि उन्होंने कभी कोई काम हमारे लिए किया नहीं, वो बहुत कम आती हैं और अगर गांधी परिवार से कोई भी सदस्य यहाँ इस क्षेत्र में आएगा तो हमारी प्रगति होगी, हमारी फिर से हमारा नाम होगा। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।